इन्फीबीम को देखिए, 8-9% के आसपास का वो छाल है, हालांकि छोटे टेक साइज वाला ये शेयर है, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि ये मूव अभी और एक्सटेंड होगी? क्या करना चाहिए इन्फीबीम में? जी इन्फीबीम बेसिकली स्मॉल कैप में मिड कैप का जो हमने थोड़े टाइम से रवैया देखा हुआ है, तो उनका 4 से 5 दिन का ही हमें डिक्लाइनिंग मॉडल देखने मिलता है, और इसमें एक आधो 2 दिन के डिक्लाइनिंग मॉडल काफी सीवियर होते हैं, लेकिन वो पेन काफी लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, उसके बाद में काफी अच्छे से रिबाउंड भी करते हैं। इन्फीबीम की हम बात करें तो स्टॉक प्राइसेस ने यहाँ पे एक जो उसके पहले के 28 रुपीज के काफी बड़े रेजिस्टेंस लेवल थे, तो काफी टाइम पहले प्रीवियस मंथ में उसने इसको वहां पे ब्रेकआउट हमें देखने मिला हुआ है, उसके बाद में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी आया हुआ है। वीकली चार्ट पे का फ्लैग पैटर्न का पोटेंशियल फॉर्मेशन भी हमें देखने मिल रहा है, और आज की तारीख में फिर से हमें अपसाइड मूव आते हुए देखने मिल रहा है। 36 का लेवल है, 8% ऑलरेडी मूव कर लिया है, तो उसको एक साथ में बाय ना करते हुए उसको एक्यूमुलेशन वेरिएंट में हमें देखना चाहिए। तो 36.5 से लेकर मैं इसका जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल देखता हूँ 35, यानी 1.5 रुपए की आपकी इसकी एक्यूमुलेशन रेंज रहेगी। नीचे में आपके स्टॉप लॉस 33 और क्लोजिंग बेसिस पे बैठेगा, एंड ऊपर में हम देखते हैं जो स्टॉक प्राइस के अपसाइड पोटेंशियल जो इसके प्रीवियस हाई थे 40 रुपए के यहाँ पे, तो वहां पे देखने मिल सकते हैं। ट्रेंड इसने काफी अच्छा एस्टेब्लिश किया हुआ है और बुलिश कंटिन्यूएशन साइन देखने मिल रही है यहाँ पे।